50 साल पुरानी है, सबसे पुरानी दुकान हमारी है। तो जी आज जम्मू से लखनपुर की तरफ आते हुए हम पहुंच चुके हैं तारा चाट हाउस पे, जो कि सबसे पुराने जो है ना यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस राम लड्डू यही देते हैं तारा चाट हाउस पे। और आप देखेंगे ना काफी वैरायटी के यहाँ पे राम लड्डू मिलते हैं। स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनकी कुटाई होती है, कैसे इनकी मिक्सिंग होती है, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। तो जी सबसे पहला जो स्टेप है ना राम लड्डू बनने का, जो लखनपुर के फेमस राम लड्डू है तारा चंद चाट हाउस पे, उसमें सबसे पहले दाल ली जाती है। सर ये दाल कौन सी होती है? चने की दाल होती है। चने की दाल, भाई चने की दाल होती है और चने की दाल के ही लड्डू बनते हैं जी। और इसमें कौन कौन सी वैरायटीज बनती हैं? इसमें प्लेन दाल के बनते हैं। हाँ जी। प्याज मिर्च मसाले वाले बनते हैं। हाँ जी। मिर्च का थोड़ा बन जाएगा। अच्छा इसी का बनता है, चने बेसन का काम, चने की दाल को घोट के ही बनता है जी। बहुत शानदार भाई, इसमें पानी जा चुका है अब, और अब आप देखेंगे ना इसको घोटा जाएगा। अब भैया इसको घोटा, इसी लकड़ी से ही घोटते हो जी? तो ये लकड़ी भी काफी पुरानी होगी आपकी। लकड़ी ये डंडा होता है, ये तिमरू का डंडा होता है। तिमरू का, तिमरू कोई पेड़ होता है जी? अच्छा ये तिमरू का डंडा होता है, इसी से घोटा बनाते हैं। भाई तिमरू का डंडे से घोटा जा रहा है, आप देखिए चने की दाल जो है ना, और पास से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आप चेक करो कितनी ज्यादा मतलब ऑथेंटिक तरीका है। ऐसा भी कर सकते थे आपकी मिक्सी में पीस लेते हैं। मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा मिलावट इससे आती है, जो टेस्ट इसमें आता है, जो सॉफ्टनेस इसमें आती है वो। अच्छा वो मिक्सी में नहीं आती है, तो आप मतलब शुरुआत से ऐसे ही कर रहे हैं। बहुत शानदार भाई, ये बन रहे हैं लखनपुर के फेमस राम लड्डू तारा चाट हाउस में। आप जैसी लखनपुर जम्मू से पहले पड़ता है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ पे आपको तारा चाट हाउस दिख जाएगा, वहाँ पे आपको आना है और इनके फेमस जो है ना राम लड्डू ऑथेंटिक तरीके से बनते हैं वो ट्राई करने हैं। अब क्या डल रहा है जी इसमें? इसमें नमक डल रहा है जी। तो डाली नमक आ गया। अच्छा मिर्च मसाले जो है इसी में पड़ जाते हैं? मिर्च मसाले बाद में पड़े, बाद में। कितनी देर का प्रोसेस होता है ये? 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट का, ठीक है जी। 50 साल पुरानी है, सबसे पुरानी दुकान हमारी है। अच्छा यहाँ पे जो अभी इतनी खुल गई है सबसे पुरानी आपकी है? तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। अच्छा दादाजी ने शुरू किया था? बहुत शानदार। हाँ जी। और अभी हम कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, यहाँ पे जो है ना अपनी जो दाल थी वो पिस चुकी है, बढ़िया से घोट चुके हैं इसको, और दाल ना फूल के साइज भी काफी ज्यादा, मतलब ये लगभग डबल सी हो जाती है। हाँ जी और आप देख, डबल हो जाती है ना, और ये देखिए कितनी ज्यादा फूल के, अब इसको निकाल रहे हैं ये पूरे बर्तन में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया जाएगा। तो भाई अब इसको सजाने की बारी आ गई है, क्या डाल रहे हो? देखो ये कसूरी मेथी होती है, ये मेथी आ गई, ठीक है जी। हाँ जी। ये आ गया भाई साहब कड़ी पत्ता। ये आ गया जी कड़ी पत्ता। ये आ गए खड़े मसाले। ये क्या क्या होता है इनमें? इसमें जीरा होता है, अजवाइन होती है। अच्छा। हर सूखा धनिया होता है और लाल मिर्ची होती है। लाल मिर्ची होती है। अब इनके पकौड़े बनाए जाएंगे? बल्ले बनाए जाएंगे। क्या? बल्ले बनाए जाएंगे। बल्ले। अच्छा बल्ले। भाई मिर्ची वड़े जो है ना आप तैयार किए जा रहे हैं, चने की दाल को घोट घोट के जो है ना पीस के यहाँ तक आई है, उसके बाद जो है मिर्ची आएगी यहाँ पे, मिर्ची डाली जा रही है इसमें। तो भैया जो बेसन के बनते हैं और ये जो चने की दाल के, इनमें स्वाद में फर्क होता है? बेसन की दाल के बड़े बनते ही नहीं, नहीं बेसन, बेसन के पकौड़े जो बनते हैं, बेसन के पकौड़े हाँ टेस्ट में फर्क रहता है, ये थोड़े कुरकुरे होते हैं, ये कुरकुरे होते हैं। हाँ जी। इसका एक तो सिस्टम ही अलग है ना सारा। अच्छा। हाँ दाल है इसमें क्रिस्पी रहता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पना बहुत ज़्यादा रहता है। भाई जो मिर्ची इन्होंने डाली थी ना वो भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है लगभग। इसको डबल फ्राई नहीं किया जाता ना? इसको भी किया जाता है। इसको भी किया जाता है। अभी क्या बना रहे हो आप ये बता दो? ये इसमें बनाए जा रहे हैं सर पल्ले, जम्मू के लोग इसको पल्ले बोलते हैं। अच्छा। पंजाब के लोग इसको दाल लड्डू बोलते हैं। हाँ। कोई राम दिल्ली के लोग इसको राम लड्डू बोलते हैं। हाँ। बड़ा बोलता है ना। अच्छा तैयार किया ये ले लिया आपने हाथ में। अच्छा इसमें प्याज वगैरह नहीं होती? नहीं ये सिंपल है जी, सिंपल वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो जी जो अपने राम लड्डू, जो अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे भाई भल्ले, जो अपने इन्होंने डाले थे ना वो तैयार हो चुके हैं, और पूरे बढ़िया से एकदम आप देखेंगे ना क्रिस्पी कर दिए इन्होंने जबरदस्त तरीके से, और कुछ कुछ को रीफ्राई भी किया है और क्रिस्पी करने के लिए। ये देखिए भाई ये आ चुका है मामला सारा तैयार होके।
तो भैया ये इनकी प्लेट कितने रुपए की होती है? 20 रुपए की प्लेट होती है। ये छोटे जो आपने बनाए है ना छोटे, हाँ जो 20 रुपए की प्लेट है 6 पीस आएंगे एक प्लेट में। 20 रुपए की प्लेट 6 पीस आएंगे? हाँ। बहुत शानदार। और जो बड़े वाले होते हैं जो प्याज वाले आप बनाओगे आप, वो 20 रुपए की प्लेट है 3 पीस होते हैं। 3 पीस होते हैं। तो भाई चलते हैं अब अपनी प्लेट लगवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो भाई आ चुके हैं इनकी हम फ्रंट साइड पे, सब कुछ आपको दिखा दिया। भैया आप बता दो वैरायटी कौन कौन सी है एक एक बार बता के। ये होती है हमारे पास मिर्ची है, ये आ गई जी मिर्ची वाले। ये 20 रुपए की प्लेट आती है 2 पीस आते हैं। 20 रुपए की प्लेट 2 पीस, 20 रुपए की प्लेट है 2 पीस है। ठीक है, और कौन से हैं? ये होते हैं प्याज मेथी मसाले वाले। ठीक है जी। 20 रुपए की प्लेट आती है 3 पीस होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। वो वाले निकालता हूँ मैं, जो छोटे वाले हैं। हाँ। 20 रुपए की प्लेट आएगी 6 पीस आएंगे एक प्लेट में। अच्छा। मूली और चटनी साथ में मिलेगी। अच्छा, मूली चाहे 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, चाहे 150 रुपए किलो मिलेगी। मिलेगी इसके साथ, जरूर साथ में मिलेगी। बहुत शानदार। 3 चटनी साथ में मिलेगी। तो भाई एक प्लेट हमारे लिए लगाओ फिर। बिल्कुल आ रहे हैं गर्मा गर्म। भैया ये मिर्ची के पकौड़ों के अलावा ये क्या चीज है? दही बड़े ये भी रखते हो? ये क्या रेट? ये 20 रुपए के, ये भी 20 रुपए के हैं। तो इसमें दही वगैरह सब साथ में मिलेगा। बहुत शानदार। और चटनी कौन कौन सी होती है अपने पास? चटनी हमारे पास मिंट सॉस है। ये मिंट सॉस हो गई जी, धनिया वगैरह होता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। होता है, दही रहता है। अच्छा, इमली की चटनी है, इमली और प्याज की। इमली और प्याज की चटनी, बहुत बढ़िया। मीठी चटनी है, गुड़ वाली। ये गुड़ वाली मीठी चटनी। तो 3 तरीके की चटनी डाल के देते हो, बहुत बढ़िया। हमारे लिए जो है ना मिक्स प्लेट लगने जा रही है। मिक्स में भैया सब कुछ डाल दिया आपने? डाल दिया आपको, बड़ा डाल दिया, मिर्ची डाल दी। हाँ जी, छोटे वाले लड्डू डाल दिए है ना। ये आ गई इसके साथ मूली, ये मूली आ गई। ये आ गई चटनी इमली वाली, इमली वाली बहुत शानदार। ये आ गई गुड़ वाली मीठी चटनी जी, बहुत बढ़िया। ये आ गई पुदीने वाली मिंट सॉस, अनार वाले वाली। मिक्स प्लेट वैसे जनरली देते हो किसी को? कितने की? ये भी 20 की है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अपनी प्लेट आ चुकी है, देखो आप 20 रुपए में भरपूर प्लेट है। और हम इस टाइम तारा चाट हाउस पे, भीड़ आप देखेंगे ना सबसे ज्यादा इन्हीं के पास लगी हुई है। और सबसे पहले ये देखिए भाई, ये है मोटा वाला जो प्याज वाला था ना, वो है। मूली के साथ लेंगे, चटनी के साथ लेंगे। ओ भाई बहुत गजब है। मसालों का फुल फ्लेवर, टेस्टी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मज़ेदार हैं। जम्मू जा रहे हो ना लखनपुर में, पहले ही रुक जाना, उसके आगे ही आपको तारा चाट हाउस दिख जाएगा, लखनपुर के फेमस राम लड्डू। 20 रुपए में अपना पेट भर के जाओ, मौज लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।